पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सांगीपुर विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया गया। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में विधायक आराधना मिश्रा मीना और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनके समर्थकों के ऊपर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया और कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। आज माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस माननीय अजय कुमार लल्लू जी के दिशा निर्देश में आज खाली मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी सीएलपी लीडर है आराधना मिश्रा मोना जी और हमारे पूर्व विधायक पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी जी के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं सरकार जो हिटलरशाही तरीके से अपना रही है ये उसकी भर्त्सना करते हैं। ये जनता पूछना चाहती है इनके विकास कार्यों को लेकर, लेकिन उन सबको बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये सब हाथापाई को उतराते हैं, झूठे मुकदमे लगा देते हैं ताकि इनसे कोई जना कोई विकास के काम की बात ना कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है और जो उनके ऊपर हमारे लीडर के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके वापस लेने की मांग करी है। अगर ये सरकार उनके मुकदमे वापस नहीं लेती है तो हम समझ कांग्रेस के लोग जिला महानगर कांग्रेस कमेटी मिलकर धरना पर बैठेंगे। भाजपा के सांसद ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारपीट का आरोप लगाया तो कितनी सच्चाई है? देखिए ये सब आप लोग भी जानते हैं, तमाम वीडियो वायरल हुई है, उसमें आपने भी सच देखा है कि प्रमोद तिवारी जी और आराधना मिश्रा जी कितना संयम बरत रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितनी बदतमीजी से उनसे अपशब्द बोले जा रहे हैं। ये सब चीज आप देख चुके हैं, इसमें बोलने की जरूरत हमें नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर रात्रि हम दोनों अध्यक्षों को निर्देश प्राप्त हुआ कि सुबह धरना प्रदर्शन करना है और हमने सुबह ही सारे लोगों को इन्फॉर्म करके यहाँ जमा किया। ये धरना और प्रदर्शन जो बर्बरता और जो भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच तक कहा उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ है। हमारे प्रमोद तिवारी जी जो 6 बार के विधायक रहे हैं, जो 1 बार सांसद राज्यसभा रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारी आराधना मिश्रा जी जो इस टाइम सीएलपी लीडर हैं उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया, एक महिला के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया। खास तौर से मैं शर्म की बात है ये कि महिलाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा कायम हो रहे हैं, क्योंकि इनकी महिलाएं हैं नहीं, इन्हें महिलाओं का दर्द नहीं होता, इसलिए महिलाओं के खिलाफ इन्होंने झूठे मुकदमे किए। एक तानाशाही सरकार चल रही है। इस टाइम ऐसा हो रहा है कि जैसे हिटलर की सरकार है, आदेश और दिशा निर्देश ऐसे जारी कर देते हैं जैसे कोई मतलब नहीं, न्यायपालिका पे इन पे विश्वास नहीं रहा है। हम इसकी घोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि इन पे से मुकदमा वापस लिया जाए। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो बहुत जल्दी सड़कों पर बैठेंगे और कांग्रेस सड़कों पे आएगी। आज ज्ञापन किसके माध्यम से किसके? आज महामहिम राज्यपाल महोदय को जिला और महानगर कांग्रेस ने संयुक्त ज्ञापन दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।